भवानी खेड़ा के गांव सुमरा खेड़ा के किसानों ने तहसीलदार को कपास की फसलों की खराबी को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने तहसीलदार और सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उनकी खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवा उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि कपास की फसलों की खराबी का किसानों को आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। फसल खराब होने की वजह से ज्ञापन दिया गया है, पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है कपास की सफेद मक्खी की वजह से, और इसकी भरपाई करने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी स्पेशल गिरदावरी करवा के न लोगों को कपास की फसल का मुआवजा दिया जाए। 80 से 90% खराब हो चुकी है, रोने ही लग रही है। तहसीलदार भवानी खेड़ा को ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है वहाँ से दिया गया है कि हम रिकमेंड करके मौका मुआयना करके सरकार को आपकी सिफारिश करेंगे। ये कहूँ कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार, तो हम कहेंगे तो सरकार गिरदावरी करवाएगी, लोगों को मुआवजा देगी तो सरकार को हम मानेंगे कि सरकार किसानों को, नहीं तो सरकार किसानों के तो खिलाफ काम करेगी। तो वहीं ज्ञापन को लेकर तहसीलदार अशोक कुमार ने बताया कि कपास फसल की खराबी के मुआवजे को लेकर आज किसानों ने उन्हें ज्ञापन दिया है, जिसमें सफेद मक्खी से खराब हुई फसलों की गिरदावरी कर उचित मुआवजे की मांग की गई है। आज गांव सुमरा खेड़ा उसके सारे लोग इकट्ठे होकर तहसील कार्यालय भवानी खेड़ा के परिसर में इकट्ठा होकर आए हैं। उन्होंने मेरे को ज्ञापन सौंप कर रिक्वेस्ट की है कि जो उनकी कपास की फसल है वो सफ़ेद मक्खी के कारण खराब होती जा रही है, उसका मौका निरीक्षण कराया जाए और उसका उचित से उचित मुआवजा दिलाया जाए, ये उनकी मांग है। आपने क्या आश्वासन दिया हमको कब तक से? हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांग है जल्द से जल्द सरकार के संज्ञान में लाई जाएगी, उनको पहुँचा दी जाएगी और जो भी आदेश होंगे नियमानुसार उसका सख्ती से पालन किया जाएगा और जो भी उनकी मदद होगी वो भरसक प्रयास किया जाएगा उनका निपटान करने। फिलहाल तहसीलदार ने ज्ञापन को उच्च अधिकारियों से अवगत करवा किसानों की समस्या का समाधान के प्रयास को लेकर आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल पाता है या नहीं। भवानी खेड़ा से सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।